थोड़ी दूसरा यूपी वास्ते। हाँ भाई आवाज़ देख रहा हूँ, 138 139 140 अभी भग रही है। हेलो गाइस, राम सभी भाइयों को। भाई कैसे हो आप सारे के सारे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज बहुत दिन बाद आए हैं भाई एस्टर को लेके। हाँ इतने दिन से आप अलग गाड़ियाँ देख रहे थे, कभी एंडेवर कभी वर्टिस कभी कोई सी। तो भाई आज करेंगे इसका टॉप स्पीड टेस्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ भाई, हम ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, ये बिल्कुल सेफ नहीं है और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है वीडियो। आप बिल्कुल इसको ट्राई मत करना भाई। तो अब जो चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूंगा, ये मेरी MG Aster है 1.5 CVT टॉप मॉडल है, डास के साथ आता है, 108 BHP 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है भाई। जो इसके टर्बो वाली आती है उसका टॉप स्पीड वो जाती है 203 तक तो जाती है, वो आज ही मैं देख रहा था। ये मेरे ख्याल से 170-180 तक जानी चाहिए, आज तक मैंने देखी भी नहीं और मैंने करी भी नहीं है। तो आज करते हैं भाई, देखते हैं क्या रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये हम प्रमोट नहीं कर रहे हाई स्पीड, ये सब हम प्रमोट नहीं करते, सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए भाई। तो और बिल्कुल भी कोई भी अपने घर में और इसे ट्राई ना करे। वहाँ सामने देखो रैपिड रेल दिख रही होगी आप लोगों को, ये गाजियाबाद की नई शान है भाई। हाँ इसकी वीडियो भी देखने को आपको मिल गई होगी अब तक, तो खैर देख लेना, लिंक मिल जाएगा इससे। हाँ। पहले इसी की वीडियो डलेगी। ये एक हाई स्पीड भाई रेल है जो की अभी फिलहाल साहिबाबाद से लेके दुहाई तक चालू हुई है, आगे मेरठ तक भी जाएगी। और आपको बाकी वीडियो में पता लगेगा कि ये कितने टाइम में वहाँ से यहाँ तक सब चीज हमने बताई है, उसमें क्या प्राइस है, क्या टिकट है और क्या क्या पूरा प्रोसेस है उसका। चलो भाई अभी हम शुरू कर रहे हैं। नहीं ऐसे हम बिल्कुल, हम बार बार यही बात को कह रहे हैं कि हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, हमें लगेगा कि और यहाँ पॉसिबल है अपलोड खाली है तभी हम पंजाब आते हैं भाई। ऐसे ही हमने सेम स्कॉर्पियो करा था, जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लेना, मिल जाएगी। आई बटन में डाल देंगे स्कॉर्पियो टॉप स्पीड। वो गई थी हमारी 170 179 पे लॉक हुई थी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई, स्पीडोमीटर में डाल देता हूँ। मिस पायलट इसने भाई थोड़ी गुस्सा यूपी वास्ते। हाँ भाई आवाज देख रहा जूम, क्या हुआ स्पीडोमीटर क्यों नहीं आ रहा? आ तो रहा है, कल कितनी चली गई? अभी 130 चली गई थी, रोक दी मैंने आगे देख के, थोड़ा वो आ रहा था बम्प सा ये घटती तो भाई, फिर भी थोड़ा सा वो बड़ा स्पीडोमीटर नहीं आ सकता? नहीं इसमें यही आएगा, देख नहीं रहा, देख। अच्छा बन अभी भग रही है, अभी तो 149-150 अभी हो नहीं पाया, 150 पार गई थी भाई लास्ट जो है 150 वैगनर वाला तो भी कर रहा था, अब दिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कोने में 151 152। आज रोड नहीं मिल रही हमें उस हिसाब से। ओ भाई बहुत तेज है भाई, बहुत तेज, इतनी आवाज भी दिख रही है। हमें लग ही रहा था भाई गाड़ी स्लो, जब गाड़ी 100 पार करती है ना तो उठती चली जाती है, ये जो इंजन है 100 तक तो स्लो लैग करता है। दोबारा से कर रहे हैं, उसमें स्पीड ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था एक्चुअल में। बाकी जितनी मैंने देखा था, मेरी नज़र वैसे तो रोड पे ही थी, जितना मैंने देखा था 159 तक चली गई थी भाई ये। फिर एकदम से ब्रेक लेने पड़े थे, एक तो यार जो अब है ना इस हाईवे पे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है हर दिन, तो ऐसा रिस्क तो भाई हम, अब तो मैंने इस पे सेट कर दिया भाई, तुम लोगों को भी दिख जाएगा, रिस्क तो नहीं ले सकते हम, तो देखते हैं बाकी। अब दोबारा से हमें सही लगता है, ध्यान से चले तो दिक्कत तो नहीं आ रही ना मेरे ऐसे होने से? नहीं भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा हाथ सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है तेरा भाई। शुरू हो चुकी है हमारी रेस टॉप स्पीड वाली। चलो अच्छा गाड़ी ना बहुत अच्छा, मतलब पहले के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करती है। हाँ तो फिर जब 100 के ऊपर जाती है देख, अब 90 क्रॉस होती है ना, अब देख कैसे भगेगी। हाँ और आवाज तो देखो आप, एक बार स्पोर्ट्स कार से कम है क्या? देख कितनी 120 टच भी कर जाती है, तो ऐसा नहीं है अंडर पावर है भाई, मजे की चीज है। कैमरेज आ रहे हैं थोड़ा सा, तो उससे बच के रहना पड़ता है। इसको जाती ही मैं दोबारा से चल, आवाज देख रहे हो भाई
निकला करो भाई, दिस इज नॉट सेफ। वैसे जो हम कर रहे हैं ये भी सेफ नहीं है। कर दे कर दे कर दे, काम को हो जाएगा भाई। स्टेबल बहुत रहती है गाड़ी, 154, 155, उतर गए हम। जो पहले वाला राउंड हुआ था ना उसमें 159 पे लॉक हो रही थी, मतलब उसके ऊपर नहीं जा पा रही थी। हो सकता है भाई चली भी जाए, क्योंकि मेरे आगे आगे फिर गाड़ी आ गई तो भाई मेरे ब्रेक लेने पड़ गए, क्योंकि हम सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। हमें कोई वो नहीं करना है कि ऐसा नहीं कि हमें करनी है, हमें ओवरटेक करने है और रैश ड्राइविंग करना है, भाई ऐसा नहीं है। और दूसरा राउंड में आपने देख लिया उसमें कितनी गई भाई, 155.56 के राउंड गई थी। वहां इसको कह रहा था कि थोड़ा सा लॉक होना, तुम्हें थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे पॉइंट बढ़ रहे थे, फिर ब्रेक हमें लेनी पड़ गई। तो भाई ये एन इंजन यार बहुत होती है स्पीड यार, 160 भी बहुत स्पीड होती है, इतनी भाई ड्राइव कोई भी नहीं करता, क्योंकि भाई और एक्सपीरियंस है ना ये बम्पी से भी है। हाँ, और थोड़ा सा ये भी था कि भाई उसमें कि तुम्हारी आवाज देखी थी गाड़ी की तुमने, तो बिल्कुल स्पोर्ट्स कार से कोई कम नहीं थी आवाज। तो ऐसा नहीं है कोई भाई एन अंडर पावर नहीं है भाई, बढ़िया इंजन है। मुझे तो मजा आ गया इस गाड़ी में आज। शुरू में लैग है लेकिन जब 100 के पार करती है ना ये, तो साउंड की आवाज ही बदल जाती है भाई। हाँ, ये अलग ही गुस्से, ऐसा लगता है गुस्से में आ गई है गाड़ी, मतलब कैसे कहते हैं ना एकदम हो गई है, ऑन हो गई है, एकदम से टर्न ऑन हो गई है। बाकी चलो यही था इस वीडियो में। हम अभी इसके लिए सेफ्टी के लिए 160 मानते हैं। कभी हम आगे कोई और अच्छा हमें ट्रैक मिलेगा तो हम इसे फिर से वही कोशिश करेंगे। बाकी हम यही कहेंगे कि भाई डू नॉट ड्राइव लाइक दिस, जैसे हमने चलाया। ये दोबारा से बोलेंगे, हम रिकमेंड नहीं करते ना ही हम प्रमोट करते हैं ऐसी एक्टिविटीज को। चलो भाई जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और जय श्री राम।